हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। आज की हमारी रेसिपी होने वाली है एक स्पेशल भाजी की। पाव की रेसिपी तो आपने देख ही ली होगी, अब साथ में हम भाजी भी बनाएंगे। हम इसे बनाने वाले हैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स में और कम से कम समय में, बट इसका टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। तो चलिए इसकी रेसिपी फटाफट से शुरू करते हैं। भाजी बनाने के लिए हम लेंगे बीन्स, गाजर, बीटरूट, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी और आलू। इन सबको हम इस तरह से चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इन सारे वेजिटेबल्स को उसमें ऐड कर देंगे और उसमें 1/4 कप पानी भी डाल लेंगे। हमें इन सारी सब्जियों को सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी तक ही पकाना है, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब ये देखिए, 1 सीटी होने के बाद मैं कुकर को ओपन कर रही हूँ और हमारी सब्जियाँ अच्छे से बॉयल हो गई हैं। अब हम इन सारी सब्जियों को एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। अब इसी स्टेज पे इसमें जो आलू बॉयल हो चुके हैं उनको हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें आलू को मैश अभी नहीं करना है। और उसके बाद हमारे जो टमाटर हैं उनके अगर छिलके हों तो उनको भी हम सेपरेट कर लें। अब ठंडा होने के बाद हम अपने सारे बॉयल्ड वेजीज को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद ये देखिए, जो इसका पानी बचा हुआ है इसको हम साइड में रखेंगे, क्योंकि इसे हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। और हमारे ये वेजीज ग्राइंड हो चुके हैं, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस कंसिस्टेंसी का रखना है। इसके बाद हमने एक अनियन को रफली चॉप कर लिया है, थोड़े से लहसुन और थोड़े से अदरक को ले लिया है और इसको भी एक मिक्सर ग्राइंडर में हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए, हमारा फाइन पेस्ट भी बन के रेडी हो गया है। अब चलिए हम भाजी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 2-3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और साथ ही 2-3 टेबलस्पून बटर भी ऐड करेंगे, जो कि इसका टेस्ट बहुत इन्हांस करेगा। उसके बाद हमने एक और अनियन लिया है, उसको फाइनली चॉप किया है और उसको इसमें डाल दिया है। हम थोड़ी देर तक इसको सॉटे करेंगे, लगभग 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमने जो प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था उसको भी इस मिक्सर में ऐड कर देंगे और फिर इसको भी थोड़ी देर तक के लिए हम पकाएंगे। जब ये मिक्सर थोड़ी देर के लिए पक जाएगा तब इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही 1.5 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे और इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इन सबको हमें कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और उसको भूनने के बाद इसमें हमने जो अपने बॉयल्ड वेजीज को ग्राइंड किया था उसको भी ऐड कर लेंगे। अब हम इस पूरे मिक्सर को 2 मिनट और फ्राई करेंगे और ये देखिए, फ्राई होने के बाद इसका कितना बढ़िया कंसिस्टेंसी और कलर निकल कर आया है। अब इसके बाद हमने जो बॉयल्ड आलू को निकाल के रखा था अलग, उसको मैश करके इसी स्टेज पे इसमें भी हम ऐड कर देंगे और एक बार फिर इस पूरे मिक्सर को हम बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे जो बॉयल्ड वेजीज का पानी अलग करके रखा था ना, उसमें 1/2 नींबू ऐड करेंगे और इस पानी को भी अपने मिक्सर में हम डाल लेंगे और इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है एंड ये भाजी सुपर यमी बन के निकल के आती है। अब इस पानी को भी ऐड करने के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब इस स्टेज पे हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 1 चॉप्ड ग्रीन चिलीज और लास्ट में हम थोड़े से धनिया पत्ता इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और हमारी भाजी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको बस हम 1 मिनट और चला लेंगे और चलाने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, हमारी सुपर डिलीशियस भाजी बनके रेडी हो गई है विथ मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने भाजी बना के रेडी कर ली है। गाइस, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।